श्रोताओं आज का कमेंट लिया है हमने इस बच्चे का, गिरिराज बघेल सांका, कला जिला गुना मध्य प्रदेश से हैं। ये कह रहे हैं कि अब मैं कक्षा 6 से 7 में हो गया, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। अब हम इस के कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इसका कमेंट है, बसांसी जीर्णानी यथा विहाय, नवानी गृहणाति नरो अप्राणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, न्यानी संयता संयाति नवानी देही। श्रोताओं, गिरिराज बघेल सांका ने बहुत ही सुंदर श्लोक पूछा है जो आत्मा से संबंधित है। बसांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृहाति नरो अपराणि। बसांसि कहते हैं वस्त्रों को, जीर्णानि पुराने, यथा माने जिस प्रकार से, जिस प्रकार से पुराने वस्त्र जो होते हैं। नवानि गृहाति नरे अपराणि, विहाय कहते हैं छोड़ना, जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करके अपराणी दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार से देही कहते हैं आत्मा, उसी प्रकार से आत्मा जीर्णानी शरीरानी, इस जीर्ण शरीर को, इस पुराने शरीर को छोड़ करके अन्यानी नवानी संयाति, अन्यानी कहते हैं दूसरे, इस शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर संयाति कहते हैं प्राप्त कर लेना, प्राप्त कर लेती है। दोबारा सुनिए इसका अर्थ, बसांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृहणाति नरो अपराणि। जिस प्रकार, यथा जिस प्रकार से नर मनुष्य जीर्णानि बसानि, पुराने बसानि माने वस्त्रों को, विहाय माने त्याग करके, अपराणि दूसरे, नवानी माने नवीन, गृहणाति ग्रहण करता है, नवीन वस्त्र ग्रहण करता है, तथा उसी प्रकार से देही आत्मा जीर्णानी शरीरानी, पुराने इस जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके, विहाय माने छोड़ करके, अन्यानी नवानी संयाति, दूसरा नवीन शरीर संयाति प्राप्त कर लेती है। श्रोताओं, जगत परिवर्तनशील है, प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन होना निश्चित है। गगन चुंबी विशाल और सुंदर भवनों का निर्माण होता है और उसके गिर जाने पर दूसरा भवन खड़ा कर दिया जाता है। यदि पुस्तक की जिल्द भी टूट जाए तो दूसरी जिल्द बांध दी जाती है। इसी प्रकार पुराने वस्त्र को मनुष्य छोड़ देता है और नए वस्त्र धारण कर लेता है। वस्त्रों का जीर्ण अथवा पुराना होना उनके उपयोग और आयु पर निर्भर करता है। शरीर का सदुपयोग करने, उसे अच्छे कर्मों में लगाए रखने तथा दोष से बचाने से वह स्वस्थ और शक्तिशाली होता है। श्रोताओं, जिस प्रकार से वस्त्र को धूप सुखाती है, पानी गलाता है, वायु फाड़ती है और वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार शरीर
पर तत्वों का प्रभाव पड़ता है और शरीर भी एक ना एक दिन जीर्ण होकर मिट्टी में मिल जाता है। तो श्रोताओं, हमें इस श्लोक से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, और साथ में जो मुख्य शिक्षा है वो यह है कि हमारी आत्मा कभी मरती नहीं है, केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य अपने फटे पुराने कपड़ों को बदल करके नया वस्त्र धारण कर लेता है, उसे पहले ही पता चल जाता है कि मेरा वस्त्र फट गया है, पुराना हो गया है, तो वह पहले ही नए वस्त्र सिलवा लेता है। उसी प्रकार से आत्मा होती है, आत्मा को पता चल जाता है कि अब ये शरीर मुझ लायक नहीं रहा, तो वो पहले ही दूसरे शरीर का प्रबंध कर लेती है और दूसरे शरीर को जाकर धारण कर लेती है। श्रोताओं, कभी कभी जैसे हमारा नया कपड़ा होता है तो वो कोई गंदगी की वजह से या फिर बहुत से कारण होते हैं, कोई लकड़ी अड़ जाती है, उससे फट जाता है, तो हमको नया वस्त्र बदलना पड़ता है। उसी प्रकार से कभी कभी किसी मनुष्य का शरीर दुर्घटना में समाप्त हो जाता है या कोई अन्य कारण से जब समाप्त हो जाता है, तो आत्मा पहले ही अपना इंतजाम कर लेती है और दूसरा शरीर धारण करती है। मनुष्य का मरण निश्चित है तो जीवन होना भी निश्चित है। श्रोताओं ऐसा बताते हैं, मनुष्य 100 वर्ष तक जीता है, लेकिन अगर वह योग माया और ईश्वर भक्ति करे तो वह अपने जीवन को आगे भी बढ़ा सकता है। श्रोताओं हम आपको बता दें, आत्मा कभी मरती नहीं है, वह तो केवल और केवल दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा अजय है, अमर है, शाश्वत है, जैसा कि गीता में लिखा हुआ है। ये गीता का 2वें अध्याय का श्लोक है। श्रोताओं अब आपकी समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ जय हिंद।